कि यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बड़े हैं, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग में बॉलर ऊपर होता है, तो अगर वो बीट हो जाओ आप तो गेम अलग है। अगर उसमें चौका लग जाए और वो कंधे के ऊपर भी हो गई बॉल, तब तो मुझे पता था कि अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचे, या तो मेरे को यॉर्कर मारेगा या फिर स्लोअर बॉल डालने देखेगा। तो एक यॉर्कर कवर के ऊपर चौका हो गया, फिर लास्ट बॉल एक्चुअली मैं स्टांस में था और मैं देख रहा था उसको, वो रनअप पे रेडी था, तो हार्दिक मुझे इधर से बोल रहा है कि वो डालेगा छोटा, तो आई जस्ट ग्लांस्ड एट हिम वंस, फिर मैं रेडी हो गया। मतलब ऑब्वियसली होने दिया हमने, उसने भी थोड़ा मेरे को इशारा किया कि शायद पीछे डालेगा, तो मैं रेडी था फाइनल के ऊपर मारने के लिए। क्या ये विराट कोहली की सबसे बेहतरीन इनिंग है? क्या ये विराट कोहली की सबसे बेहतरीन इनिंग है या नहीं, विराट बताइए। आप कह सकते हैं कि है, मैं मोहाली को रेट करता था सबसे बेटर, बट ये मैच का मैग्नीट्यूड अलग था और टूर्नामेंट का स्टार्ट है, जो सिचुएशन थी वहां से सब उसका एक उधर भी व्यासी इधर भी व्यासी, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग है। एक आखिरी सवाल से दिए विराट, ये बहुत अच्छे हमने पारी को तोड़ा, इस मास्टर क्लास इस ग्रेट पारी को, लेकिन जवाब अंदर आ रहे थे, क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? यू नो शायद फैन जब आप छोटे थे ड्रीम करते हैं, लेकिन हर बार वर्ल्ड कप में जब सामने पाकिस्तान होती है विराट कोहली खड़े होते हैं। पता नहीं यार, मैं एक्चुअली बहुत अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि हमें ऐसे मैचेस खेलने को मिलता है। यू नो आप 90,000 लोगों के आगे खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, पूरे दुनिया देख रही है, इंडिया तो देख ही रही है, और आप स्पोर्ट इसीलिए खेलते हैं कि मुझे बड़े मैचों में खेलना पसंद है। कि यू नो आप जब 14-15 साल से खेल रहे हैं तो आपको लगता है कि यार और इससे बेटर चैलेंज क्या हो सकता है। थोड़े टाइम के बाद आप चैलेंजेस ढूंढते हैं, यू नो फिर वो जो थोड़े से इररिलेवेंट मैचेस होते हैं वहाँ पे इतनी इंटेंसिटी नहीं आती, बट ये ऐसे मैचेस के लिए आप खेलते हो और ये सब ऊपर वाले का किया कर रहा है, वही सबको ब्लेसिंग दे रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। विराट कोहली के सामने जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको वो हमेशा इसी तरह पार करते जाएंगे जो पार करते रहे हैं। लेकिन आपने दिवाली दो दिन पहले वो मना लिया, बहुत अच्छी टाइमिंग हुई। आई थिंक अब लोग खुशी से दिवाली मनाएंगे, सबको बहुत हैप्पी दिवाली। आई होप कि ये जो आज इमोशन फील कर रहे हैं वो कल में भी कैरी हो और आपकी दिवाली और भी